तो भाई लोग कैसे हो तुम सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफी ज्यादा अच्छी होगे। तो गाइस आज पठान पर ना बात करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी गणपत पार्ट वन के बारे में। जी हाँ गाइस, गणपत पार्ट वन एक अलग लेवल की मूवी होने वाली है। एंड टाइगर श्रॉफ के पिछले कुछ दिनों में हीरोपंती 2, देन उसके बाद आया स्क्रूटीला का टीसर, जिसने उनके फैंस और जनता दोनों को काफी ज्यादा अपसेट किया है। बट टाइगर श्रॉफ ने अपने फैन को वादा किया है कि वो गणपत पार्ट वन में ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। देन ये एक अलग लेवल की मूवी होगी। एंड इस मूवी की शूटिंग काफ़ी ज़्यादा देशों में शूट की गई है। एंड टाइगर श्रॉफ ने इस मूवी में अलग लेवल का एक्शन किया है, यानी कि जैसा उनके पहले वाला एक्शन था वो अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, इस मूवी में एक अलग लेवल वाला एक्शन शूट किया गया है। देन गाइस बात करते हैं मूवी की, तो मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जैकी भगनानी। देन उसके बाद इस मूवी में टाइगर और कीर्ति सेनन होने वाले हैं, जहाँ कीर्ति सेनन भी काफ़ी ज़रा एक्शन करती हुई नजर आएंगी। एक सोर्सेस से पता चला है कि इस मूवी में हमें 2080 की कहानी दिखाने वाले हैं। देन गाइस अब ये मूवी दो पार्ट में बनी है, तो ऐसे भी सोर्सेस से पता चला है, ऐसी लीक्स भी थी कि इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमको विकी कौशल देखने को मिलेंगे एज अ विलेन। जी हाँ गाइस, विकी कौशल हमें इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिलेंगे, जो कि एक नेगेटिव रोल में दिखने वाले हैं। देन गाइस इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के साथ बिग बी यानी अमिताभ बच्चन भी हमें धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस करते हुए नजर आएंगे। एंड टाइगर ने एक वादा किया है कि एक अलग लेवल का बेंचमार्क सेट करेगी। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या टाइगर श्रॉफ इस बार कुछ अमेजिंग लाएंगे, या फिर उनकी वही घटिया कंटेंट वाली जैसे हीरोपंती 2 देन स्क्रूटीला का टीसर है, वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलने वाला है? तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन गाइस मैं जानता हूँ आप लोग पठान के अपडेट जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसब्र रहते हो, तो गाइस पठान से जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।